पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वो चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हारे चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं देखा था। तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ सी आ गई। मुने, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके और श्री रघुनाथ जी ने देवी सती से कहना आरंभ किया। अध्याय 24। श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का देवी सती के मन का संदेह दूर करना। देवी सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय सद्रष्टा भगवान शंभु ने अपने परातत्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया, जो बहुत ही विस्तृत था। उनमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया, जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलाकर समस्त वेदों और आगामों को, पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को, जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी, आमंत्रित किया। इनके सिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों को 16-16 कन्याओं को भी बुलवाया, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने, वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए। इसके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीति पूर्वक हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर श्री महादेव जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया, उनसे मंगल कौतुक करवाए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड में श्री हरि का अभिषेक किया, उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान किया, जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। अपनी पराधीनता और भक्तवशता को सर्वत्र सिद्ध करते हुए वे लोककर्ता श्री ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये श्री विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन रहे थे।
तात संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से ही मेरी तरह इन श्री हरि का वर्णन करेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित हुए वरदायक भक्त वत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके पश्चात प्रसन्न हुए भक्त वत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश बोले, हरे तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता पालक और संहारक हो, धर्म अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले हो, महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो, समरागण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे, मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे, तुम मुझसे मेरी दी हुई तीन प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो, एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। श्री विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिनका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिनसे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा, इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे, मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है, वह रुद्र तुम्हारा और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो और नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्हमय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है यह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सब के सब रक्षक और भक्त होंगे, मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर उमावल्लभ भगवान स्वयं कैलाश पर्वत पर जाते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते रहे। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोवेश धारण करके गए और गोप गोपी तथा गौ के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे भगवान शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हुए इस समय श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चार भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया हुआ हूँ। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरह होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वतः मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों की कृपा हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी देवी सती को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर देवी सती मन ही मन शिव भक्ति पारायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई।
पर अपने कर्म को याद